नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माया। स्वागत है आपका। बात करेंगे पंजाब की, जहां पे एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ है। विधानसभा चुनाव में जहां महज सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, वहीं कांग्रेस ने नए सीएम को पद पे बिठा दिया है। चुनाव को देखते हुए इस फेरबदल के क्या मायने हैं, कांग्रेस क्या सोचती है इस बारे में, यही सब चर्चा करेंगे हम आज के मेहमान के साथ, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर उज्जवल चौधरी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह का बदलाव अभी पंजाब में हुआ है, महज 6 महीने है विधानसभा चुनाव को आने के लिए, उसके बीच इस तरह का बड़ा बदलाव, सर कांग्रेस क्या सोचती है, इसके पीछे क्या मुद्दा है, क्या कारण हो सकता है, क्योंकि चुनाव के पहले इतनी जल्दबाजी में फैसले लेने का? तीन कारण है कि कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री का फेरबदल किया है। पहला कारण, जब कांग्रेस पावर में आई थी अकाली दल बीजेपी सरकार को हटाकर, उस वक्त कांग्रेस ने बहुत सारे प्रॉमिसेस, उन्होंने अपने ओथ्स रखे थे जनता के सामने विश्वास पत्र के तरीके से। ऐसे 19 या 20 उसमें मुद्दे थे, अधिकतर मुद्दे उनमें आज भी पूरे नहीं हुए, विशेष करके पंजाब में एक ड्रग का माहौल, जिस पे आप जानते हैं उड़ता पंजाब नाम का एक फिल्म बन चुकी थी। मूवी जी सर। इसके अलावा नौकरियों का सवाल, और अभी तो कोरोना क्राइसिस भी चल रहा है। सो बहुत सारे मुद्दे थे जिन पे उनके कैटेगरिकल प्रॉमिसेस थे। वेवर था बिजली का बिल, पानी के बिल के संदर्भ में, विशेष करके जिनका चास वास में या कृषि में बहुत तकलीफें हुई है उनके लिए। सो वो बहुत सारे प्रॉमिसेस थे जो फुलफिल नहीं हुए थे। ये एक कारण था कि ये फुलफिल करने के लिए, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो भारी पड़ते हैं, हावी हो जाते हैं। राजीव गांधी के मित्र थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी उनको संभल के चलते उनसे। सो एक भारी एक प्रभाव उसमें था कि वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुआ, और नेतृत्व अमरिंदर सिंह का नेतृत्व तो अनपॉपुलर, लोकप्रियता उनकी खत्म हो रही थी। एक कारण था। दूसरा कारण है कि पंजाब में 36% सिख पॉपुलेशन की वोटर हैं, जो ओरिजिनली दलित संप्रदाय से है। वैसे सिख धर्म में कोई कास्टिज्म नहीं होता, बिल्कुल, लेकिन ट्रेडिशनली करीबन 1/3 पॉपुलेशन जो हिंदू के पहले के दलित संप्रदाय थे उसमें से आए हुए थे, और उन्हें दलित से कहा जाता है, यद्यपि धर्म में दलित वाद को या कास्टिज्म को नहीं माना। तो ये दलित सिख का एक प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी था। अब जो दिख रहा था सारे देश में और पंजाब में भी, दलित ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब्स, इनका वॉइस तगड़ा होता जा रहा है, और इनमें वर्तमान भाजपा सरकार सेंटर पे जो है उस सरकार के संबंध में इनमें एक रोष है। उसको उसका व्यवहार करते हुए दलित का एक नेता लाना इनके लिए जरूरी हो गया था। यह दूसरा कारण है। तीसरा कारण है, पंजाब में एक जबरदस्त किसान आंदोलन चल रहा है। आप सब जानते हैं पिछले जी नवंबर से आज आज करीबन 10 महीने हो गए, 26 सितंबर को 10 महीने हो जाएंगे, तो एक जबरदस्त जंगी लड़ाकू जुझारू किसान आंदोलन चल रहा है। और उस किसान आंदोलन के संदर्भ में अमरिंदर सिंह सरकार का काफी बड़ा सपोर्ट नहीं रहा है। भाजपा तो क्वेश्चन ही नहीं, आंदोलन ही भाजपा के खिलाफ है। शुरू में अकाली दल के साथ जुड़े हुए थे भाजपा के साथ, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि सिख संप्रदाय में इसमें बहुत गुस्सा है तो वो निकल गए। तो आज जो दिख रहा था पंजाब में, केवल आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसान आंदोलन के साथ खड़ा दिखा, और ऐसा एक लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और किसान आंदोलन के नेताओं और संगठनों के बीच एक तरह का अंडरस्टैंडिंग हो गया है या होने वाला है, हो रहा है। तो जो कैसा ये सारा फायदा अब अगले विधानसभा चुनाव में इन सब चीजों का आम आदमी पार्टी को जाएगा? वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा। जो मैं कह रहा था कि आम आदमी पार्टी के सामने मैं भी एक आम आदमी, इस तरह का कैंडिडेट जरूरी था, जो ना कि अमरिंदर सिंह है क्योंकि वो राज परिवार के हैं, और ना कि नवजोत सिंह सिद्धू है जो भाजपा से आए हुए हैं और काफी प्रिविलेज कम्युनिटी के जाट सिख है। तो उस जगह से एक इस तरह के, मतलब आम आदमी पार्टी के सामने खड़ा करने के लिए
इसलिए आप देखिए नया मुख्यमंत्री चन्नी साहब आते ही पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी एक आम आदमी से शुरू किया, बिल्कुल तो ये तीन कारण से कांग्रेस ने अपनी सरकार बदली। अब इसका फायदा आम आदमी को मिलेगा, देखिए जहां तक से आपका इसका अकाली दल का है, करीबन 20-22% वोट अकाली दल का कंजर्वेटिव सिख वोट वो एकदम फिक्स्ड है, कुछ भी हो जाए वो 20-22% उनको ही देंगे वोट, किसको कहते हैं अकाली दल को। और बीजेपी के वोट फ्लेक्सिबल है, 5% के नीचे है पूरे राज्य में, तो फ्लेक्सिबल है। सो आप, मैंने एक पॉइंट बताना भूल गया था कि चौथा भी एक कारण था, अकाली दल और भारतीय बहुजन समाज पार्टी के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो बहुजन समाज पार्टी अपने को दलित वोटों के प्रतिनिधि कहते हैं, तो उस जगह से भी उनको जरूरी था कि एक दलित नेता को खड़ा करना, तो कांग्रेस ने वही किया। ये तीन चार कारण थे जो पहला वाला प्रश्न था। दूसरा वाला प्रश्न, करीबन 22% वोट अकाली दल का फिक्स्ड है, करीबन 5% वोट बीजेपी का फिक्स्ड है, 27 हो गए, 20 से लेकर 25 के बीच में कांग्रेस का फिक्स्ड है, तो करीबन 50-51% वोट फिक्स्ड है। यानी ये लोग बहुत दिनों से, पिछले 20 सालों से इन दलों को वोट देते आए। अगर बाकी 50 बाकी वोट मान भी ले 45%, 48%, उससे आम आदमी पार्टी जीत पाएगी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कैंडिडेट सही रहे और पिछली बार की तरह गलती नहीं करके एक स्ट्रॉन्ग सरदार फेस को सामने रखे आम आदमी पार्टी, जो गुरदास अपना मन की बात चल रही है, मन की बात जो वहां के प्राइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भटिंडा से, तो उनकी बात चल रही है, अगर वो आ जाए तो शायद आम आदमी पार्टी का एक नेतृत्व का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और कैंडिडेट आप समझना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को भी जो पिछले 5-6 सालों में जो एक्टिव काम किए हैं उनको कैंडिडेट सामने रखना है। 21-22 जन तो उनके एमएलए है ही, इसके अलावा 10-15 जन बहुत ही अच्छे काम किए हैं, लेकिन बाकी जो सीट्स हैं 50 के करीब, उसमें क्या कैंडिडेट देते हैं उस पर निर्भर करेगा। पिछली बार आम आदमी पार्टी एक डिवाइडेड हाउस थी, इस बार कुछ हद तक यूनाइटेड हाउस है, और अगर किसान आंदोलन वालों को एक साथ लेके चला तो काफी अच्छा रहेगा। हैविंग सेड दिस, अभी भी कांग्रेस ही फेवरेट है, आम आदमी पार्टी सेकंड है और अकाली दल थर्ड है अभी भी, लेकिन ये हवा बदल सकती है। लेकिन सर, जो आपने पहले पहला कारण जो बताया कि जो इतने सारे प्रोमिसेस करे थे वो पूरे नहीं हुए, तो सर इस हिसाब से तो फिर कांग्रेस पार्टी लेट हो गई, 6 महीने में अब वो सारे प्रोमिसेस क्या पूरे हो पाएंगे? कांग्रेस के सामने 3 प्रॉब्लम्स है, 1 प्रॉमिसेस अनफुलफिल्ड, 2 पिछले चीफ मिनिस्टर का एरोगेंट इमेज अभी भी है, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर काफी फ्रेंडली है, उसका तो उनका पॉजिटिव साइड होगा, लेकिन अमरिंदर सिंह इतने जल्दी हार मानने वाले नहीं है, वो एक क्षत्रिय सिख, अगेन मैं कहता हूँ सिखों में कोई कास्टिज्म होता नहीं है, लेकिन जो क्षत्रिय वाला चरित्र है वो अमरिंदर सिंह में, राजा का बेटा है, खुद राजा रह चुके हैं एक समय, सो वो पूरी तरह से अपना हार नहीं मानेंगे, और उनका और सिद्धू का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सरेआम है, तो ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ लोग अपने कैंडिडेट को हराए, ऐसा हो सकता है, और उस जगह से वो आम आदमी पार्टी को समर्थन दे भी सकते हैं। ऐसा हमने देखा है कि कांग्रेस का एक बड़ा तबका दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पहले इलेक्शन में वोट दिए थे, दूसरे इलेक्शन में भी दिए थे, और उस समय उनका सोच था कि बीजेपी को रोके, आम आदमी पार्टी तो छोटी पार्टी है वैसे ही निपट लेंगे बाद में, तो बीजेपी को रोकने के लिए किए थे। आज हम ऐसा कह नहीं सकते कि कांग्रेस पूरी तरह यूनाइटेडली लड़ पाएगी, एक सेक्शन आम आदमी पार्टी को वोट दे सकता है, और अगर किसान आंदोलन वाला सिक्का चल गया तो आम आदमी पार्टी को बेनिफिट होगा। अकाली दल कोशिश कर रहा है किसान आंदोलन का स्पिरिट को लेने के लिए, लेकिन चूंकि वो बीजेपी का साथ ही रह चुका है बहुत दिनों तक, उसका नुकसान होगा, उनको नुकसान हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी क्लियर मेजोरिटी ना हो, हंग असेंबली हो, इसके बहुत आसार है, कारण बीजेपी कम से कम 4-5 सीट ले आएगी, 3-4 सीट ले आएगी, अकाली दल बीएसपी कॉम्बिनेशन, कांग्रेस डिसयूनाइटेड कॉम्बिनेशन जो भी बोले, और आम आदमी पार्टी, ये तीनों में हम जो जिसको बंगला में कहते हैं हड्डा हड्डी लड़ाई, बड़े 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 मतलब कांटे की टक्कर, कांटे का टक्कर, छोटे व्यवधान का टक्कर, इस तरह का एक हो रहा है।
ओके तो सर, एक जैसे कि दलित चेहरा खड़ा किया है कांग्रेस ने, और इधर वो सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, और दूसरी तरफ हरीश रावत कह रहे हैं कि हमारा फेस तो सिद्धू ही रहेगा, तो ऐसा तो नहीं कि अपने दलित वोटर्स को बस लॉलीपॉप पकड़ा रही है कांग्रेस? यही आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि आपने लॉलीपॉप पकड़ा के वोट को ध्यान में रखते हुए, और सिद्धू रहे तो अमरिंदर थोड़ा भी कदई कतई कोऑपरेट नहीं करेंगे इसको ध्यान में रखते हुए, और वो 36% दलित वोट को ध्यान में रखते हुए आपने एक कैंडिडेट रखा है, लेकिन चुनाव के बाद आप इसको रखेंगे नहीं, अगर आप जीत भी गए तो आप सिद्धू को ले आएंगे। ये बात पूरी तरह से वो लोग कह रहे हैं। तो उस जगह से मुझे लगता है काफी एक अनसर्टेन सिचुएशन है इलेक्शन का। वैसे ये बहुत सारा कैंडिडेट सिलेक्शन के ऊपर और वोटर की आखिरी मिजाज कैसा रहे, कौन कैंपेन किस तरह से कर पाए। कांग्रेस अब यूनाइटेड कैंपेन की जगह में है नहीं, अकाली दल फुल्ली मोटिवेटेड जगह में है नहीं, बीजेपी से अलग हो चुके हैं, बीएसपी छोटी सी पार्टी है वहां पे लेकिन बीएसपी का एक इम्पैक्ट होगा, और आम आदमी पार्टी इस बार अभी तक यूनाइटेड है, और जी पिछली बार जो मेन प्रॉब्लम था उनका कि कोई नेतृत्व नहीं था, ऐसा मूड है कि वो नेतृत्व अनाउंस करेंगे यद्यपि अभी तक किए नहीं। जी सर, एक बात और कही जा रही है कि जैसे आपने इतने सारे कारण तो बताया कि हटाने का क्या मकसद हो सकता है, बट एक चीज ये भी देखी जा रही है, जैसे 2024 के चुनाव के लिए सबसे बड़ा चेहरा पीएम के अगेंस्ट ममता बनर्जी को माना जा रहा है, और पीएम अपने आप में है ही बड़ा फेस, वो बोल्ड डिसीजंस लेते रहते हैं, गुजरात में भी अभी उन्होंने लिया, तो ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग एक प्रूफ करना चाह रहे हैं कि वो भी बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट है, तो इस फेरबदल में कहीं वो भी तो एक कारण तो नहीं? सही है। मैंने पहले कहा कि एक दलित फेस को मुख्यमंत्री बनाने के माध्यम से, और पहली बार पंजाब में कोई दलित मुख्यमंत्री हुआ है दलित परिवार का, तो जी इसके माध्यम से कांग्रेस एक मैसेज जरूर दे रही है देश के समग्र दलित समाज को, ये बात भी है, और हम शायद आगे एक दो और भी बोल्ड काम देख सकते हैं। कर्नाटक में कुछ बोल्ड डिसीजन लेने वाली है कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में भी राजस्थान थोड़ा में भी, फेर बदल के चांसेस लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री बघेल के पीछे वो खड़े रहेंगे, तो वो क्लियर हो गया। राजस्थान में कुछ भी घट सकता है। तो इन सब के माध्यम से बोल्ड डिसीजंस का एक माहौल बनने लगा है कांग्रेस की जी जगह से। जी एक और बात ये भी, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ अब अपने हाथ मिलाए हैं, जोड़े हैं गांधी परिवार के साथ, तो उनका भी प्रेशर रहेगा राहुल के ऊपर इमेज मेकओवर की, इमेज मेकओवर के लिए बोल्ड डिसीशंस की आवश्यकता है। तो सर, इस जगह से हमें उनकी देखो, उनकी इमेज बनाने के चक्कर में, राहुल के चक्कर में एक तरह से तो बलि चढ़ गए अमरिंदर सिंह सर, कैप्टन, उन्हीं के चेहरे के हिसाब से तो इतने दिन कांग्रेस आप भी। कह सकते हो, हाँ आप कह सकते हो आर्गुमेंट से के लिए। वैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 80 के पार उनकी उम्र हो चुकी है, मेरे जी हिसाब से इट्स क्वाइट नॉर्मल वे एंड राइट टाइम टू रिटायर, बट बट सर, उनका उनको वही था हटाया कि हम तो नॉर्मल चुनाव तरीके से नहीं हटाया गया, उतने उन्होंने से तो नहीं है। हाँ नहीं, हटाया जिस वो जो तरीके। जो माहौल जो था उसमें नॉर्मल तरीके से होना संभव नहीं था, ये बहुत ही भीड़ आदि व्यक्ति हैं अमरिंदर सिंह, सब लोग जानते ही हैं, राज परिवार के हैं तो बहुत जी ही गर्म मिजाज के भी हैं, तो ऑब्वियसली इतना सरल नहीं था उनको हटाना। उस जगह से जिस तरह से हटाया गया वही स्वाभाविक था, अगर हटाना ही है तो अच्छा आई थिंक इन्होंने प्रोज एंड कॉन्स देख कर ही किया है। अब सुविधा असुविधा वक्त बताएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों को आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं वक्त कर सकते बताएगा क्या जी होगा। जी तो सर, ऐसे से रिलेटेड एक सवाल, मतलब जो गुजरात में अभी चेंजेस हुए, मैं उसके लिए पूछूंगी आपको कि बीजेपी ने उत्तराखंड में पिछले दिनों एक चेंज किया चेहरा, फिर अब वो आ गई गुजरात पे, उन्होंने सब कुछ पूरा कैबिनेट ही बदल दिया, तो इसका इस तरह हम देखें कि जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं उसमें मोदी की वेव नहीं चलती है, तो क्या इसलिए सरकारें गुजरात में चेहरे पिछले बदले राइट जा रहे हैं कि खुद अपने चेहरों पे ही जीता जाए? गुजरात में पहली बार भी, पिछली बार भी असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का जितना इतना सरल नहीं था। उस वक्त बहुत सारे यंग लीडर, आपको याद है जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, ये सारे लोग, और पटेल आंदोलन तभी तभी हुआ था, तो गुजरात में बीजेपी विरोधी एक वातावरण था। लेकिन अभी जो हुआ है
चूंकि रूपानी बहुत ही कमजोर मुख्यमंत्री रहे हैं और कोविड में इनका मैनेजमेंट कंप्लीट फेलियर रहा है, वैसे बहुत सारे अन्य राज्यों में भी ये फेलियर रहा है लेकिन गुजरात में को विजिबली फेलियर रहा है। भाजपा और आरएसएस परिवारों से लोग सरकार के अकर्मण्यता और इनएफिशिएंसी के विक्टिम हुए हैं, उनके परिवारों से, यहाँ तक कि बहुत ही बीजेपी के इलेक्टेड लीडर्स के परिवारों के लोग भी सरकारी मतलब इनएफिशिएंसी के कारण अपने जान गंवाए हैं या बहुत तकलीफों को झेले हैं। और जिस तरह का बिहेवियर, जिस तरह का रिटॉर्ट चीफ मिनिस्टर का था वो मतलब सही नहीं था। तो उस जगह से नेतृत्व बदल बदल करना बहुत जरूरी था बीजेपी के लिए, नहीं तो और भी हालत खराब होती। और दूसरी तरफ हार्दिक पटेल नेतृत्व में आ गए हैं इसमें क्या कहते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस तो में और दूसरे और आम आदमी पार्टी के गढ़वी जो एक ओबीसी है और बहुत सारे पटेल नेता उनके भी इलेक्टेड भी हुए हैं सूरत से, एक आध भावनगर से, एक आध राजकोट से, तो एक हवा उनका भी बना है। पटेल वोट जो बहुत ही पावरफुल वोट है वो बीजेपी के हाथ से जाते हुए दिखाई दी, तो तो उस जगह से 2024 बीजेपी को ये जी कंफर्ट। जी तो सर 2024 के चुनाव में किस तरह का देखते हैं आप नुकसान वगैरह इन सब चीजों के चलते बीजेपी को, नहीं या वो फिर उस तो समय मोदी पहली वेव पे ही चलेगा चुनाव? बात है, 2024 बहुत दूर है, उसके पहले यूपी, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उसके बाद गुजरात, एक आध और राज्य भी है। ये सारे राज्यों का चुनावों का नतीजा क्या होता है ये देखना जरूरी है, पहला पॉइंट हुआ। जी दूसरा पॉइंट है महाराष्ट्र में और कर्नाटक में बहुत कुछ उठापटक होने वाला है, तो उसमें उसका क्या रिजल्ट होता है वो देखना जरूरी है। महाराष्ट्र में पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वर्तमान सरकार को गिराने के लिए, और उसी तरह डी शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी तरह कोशिश कर रही है कर्नाटक में, डिवाइडेड बीजेपी इस वक्त तो येदुरप्पा के जाने के बाद, तो उसको गिराने की कोशिश वो भी कर रहे हैं वहां पे। तो ये सब का जो रिजल्ट होएगा उससे हमें मालूम पड़ेगा, मतलब ये एक बात। 2024 के पहले काफी कुछ बदलेगा सर। और सबसे बड़ी बात है ऑपोजिशन किस कैरेक्टर से सामने आता है। राहुल के नेतृत्व में यूनाइटेड ऑपोजिशन आता है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में यूनाइटेड ऑपोजिशन आता है जहां राहुल की एक अच्छी भूमिका है, या राहुल अलग एक ऑपोजिशन और ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक अलग ऑपोजिशन, दो ऑपोजिशन बनते हैं। तो दो ऑपोजिशन इस वक्त मोदी के लिए सबसे बड़ा वरदान होगा मोदी सरकार को दोबारा जीतने के लिए। और अगर सिंगल ऑपोजिशन यूनाइटेड ऑपोजिशन बने और विशेष करके स्ट्रीट फाइटर लीडर ममता बनर्जी के नेतृत्व में और बड़े पार्टी होने के कारण राहुल के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरह से रखा जाए, और ऐसे भी समझिए ममता बनर्जी राजीव गांधी के कोलीग रह चुके हैं, राहुल के पिता के कोलीग रह चुके हैं, उनकी उम्र 65 के ऊपर है, राहुल की उम्र अभी 50 है, तो उस जगह से ये संभव है कि इस तरह का यूनाइटेड ऑपोजिशन बने। अगर लेकिन सर यूनाइटेड ऑपोजिशन बनता बंगाल है तो फिर टीएमसी के मुखपत्र ने तो राहुल को एज ए पीएम कैंडिडेट अस्वीकार कर दिया सर। ऐसा तो हमने जाना नहीं अभी तक, लेकिन ये बहुत जरूरी है अगर ऑपोजिशन को वाकई एक फाइट देना है। मोदी इलेक्शन मशीनरी के तरीके से बहुत पावरफुल है, मोदी शाह नड्डा का इलेक्शन मशीनरी, उसे अगर माने सामने टक्कर देना है जो लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स रहे, अगर टक्कर देना है, जीतना नहीं जीतना आगे की बात है, बट टक्कर भी अगर देना है तो यूनाइटेड ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। और विशेष करके जो तीन चार राज्यों में कांग्रेस सॉरी बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, उन सब राज्यों में कांग्रेस ऑपोजिशन के एक स्ट्रांग कैंडिडेट होने चाहिए, जैसा अगर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और शरद पवार, राहुल गांधी, स्टालिन, इतने लोग भी अगर एक साथ आ जाए, दैट इटसेल्फ विल क्रिएट अ फोर्स दैट विल बी पावरफुल टू गिव अ स्ट्रांग फाइट टू बीजेपी। लेकिन अब तक जो माहौल बना हुआ है किसी भी हालत में ऑपोजिशन का चेहरा कौन होगा ये बात सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तृणमूल ने अपनी हाल नहीं छोड़ा है आज तक अभी तक, और ऑब्वियसली राहुल ऑपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी अभी भी कांग्रेस है, सारे देश में कुछ ना कुछ लोग हैं उनके, हर राज्य में हर जिले में, तो भी छोड़ेंगे नहीं। तो ये दोनों में सुलह होना बहुत जरूरी है, मैं प्रशांत किशोर की एक बड़ी भूमिका देखता हूँ यहाँ पे, बस बिल्कुल समय बताएगा कहाँ तक सफल होगा। जी सर। मेरे दो सवाल हैं, एक है दलित वाली बात जो सामने है, जो कांग्रेस ने अभी खेला है कार्ड दलित का, एक है कोविड वाला।
तो पहले मैं दलित का पूछ लेती हूँ, क्योंकि चुनाव अभी यूपी में भी आ रहे हैं, तो चुनाव भी बीजेपी ने भी ओबीसी की टीम पूरी खड़ी करी है, तो आप उसका असर आप यूपी के चुनाव में कैसे देखेंगे? देखिए, यूपी में दलित वोट का जाटव मेनली और बाकी दलित का भी कुछ हद तक बीएसपी के पीछे था, और जी बीएसपी को अब बीजेपी ने काफी अपने कंट्रोल में कर चुका है। बीएसपी पहले वाले वो मतलब एग्रेसिव मूड में नहीं है। तो इस जगह में बाकी दल क्या करते हैं, अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन है वही स्ट्रांग है, नो डाउट। उस गठबंधन में आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल है जयंत चौधरी के, और इसके अलावा दो तीन छोटी छोटी पार्टियां भी है। तो ये गठबंधन के साथ अगर कांग्रेस का अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह या कम से कम सीट बाई सीट अगर हो पाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन तरीके उभरेगा। इस जी वक्त दलित वोट डिवाइडेड है, बीएसपी और बाकी दलों में भी बीजेपी, डिवाइडेड, अखिलेश, सब सभी में एक पार्टीज में। डिवाइडेड है। हाँ, जी लेकिन 18% मुसलमान वोट कंप्लीटली अखिलेश के पीछे है, करीबन 12-13% यादव वोट भी शायद अधिकतर अखिलेश के पीछे है, कुछ थोड़े बहुत छोड़ के। तो एकमात्र रास्ता यूपी का पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण की राजनीति, और इसीलिए अब्बा जान कब्रिस्तान फिर से शुरू हो गई है बातचीत। अब ध्रुवीकरण की राजनीति कोविड के इस महामारी अतिमारी के बाद और इतनी नौकरियां जाने के बाद, और ये सब जब क्लियर हो गया है कि ठाकुरवाद बीजेपी में जबरदस्त है, तो ये सब जगहों में खड़े होकर क्या ध्रुवीकरण की राजनीति चल पाएगी? और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन जोर पे है, टिकाई तो वहीं से आते हैं राकेश टिकाई, जी आरएलडी उनको उनके साथ घुल मिल गया हुआ है। तो इस जगह में क्या किसान आंदोलन का स्पिरिट, यानी जाट वोट, यादव वोट, मुस्लिम वोट, दलितों का एक अंश, ये क्या इकट्ठा, यादव, हाँ यादव तो है ही, ये क्या एक साथ हो पाएंगे? अगर ये होते आप हिसाब कर लो, केवल जाट यादव और मुसलमान इतना ही अगर आप याद टोटल कर लो, 35% के करीब हो जाए, जी तो 35% जिसको भी वोट मिलेगा वो तो आराम से जीतेगा। भारत का शासन मोदी जी केवल 36% के वोट पे कर रहे हैं, मोदी जी के एनडीए को, गठबंधन को केवल 36% मिले हुए हैं। और पिछले बार भी जो बीजेपी इतनी बड़ी संख्या में सीट्स लेकर आई यूपी में, उन्हें 32% के अंदर ही वोट मिला था। तो जो पार्टी 30-32 क्रॉस कर पाएगा वही जी पार्टी या वो गठबंधन वही जीत पाएंगे यूपी में। मुझे काफी जोर का टक्कर लगता है यूपी में भी, बट इसमें कांग्रेस के थोड़े बहुत सीट्स में काफी स्ट्रांग है, कुछ ब्राह्मण के वोट भी उनके साथ, वो क्या करते हैं देखने वाली बात है। अगर ब्रॉडर इंटरेस्ट में कांग्रेस अगर जुड़ जाए इसके साथ, समाजवादी पार्टी के साथ एक जी अंडरस्टैंडिंग हो जाए प्रॉपर, पिछली बार की तरह एक गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं 50-50, क्योंकि कांग्रेस का कोई 50% समाजवादी के साथ करने लायक हालत में नहीं है। अगर वो प्रैक्टिकली 30-40 सीट पे अच्छी तरह लड़ पाते हैं, 400 के सीट के अंदर, कांग्रेस 10% से, अगर 10% मिल जाए उसमें वो पूरी तरह जुड़ जाए, तो शायद बीजेपी को फाइट करना संभव। भारत के सामने सीधी हिसाब है, एक जमाने में कांग्रेस को हराने के लिए समग्र ऑपोजिशन को यूनाइट होना पड़ता था, आज अगर बीजेपी को हराना है, चाहे राज्य हो या राष्ट्र हो, सब में ही समग्र विरोध पक्ष को एक एक एकजुट होना होकर होगा। एक चेहरे को सामने रखकर लड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि सर मुद्दा आज का वैसे हमारा जैसे पंजाब ही था, तो मैं फिर से एक बार पंजाब पे आती हूँ और फिर से आम आदमी पार्टी पे, कि आपने कहा कि रूपानी का कोविड के समय अच्छा रोल नहीं रहा, उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं कर पाए थे वो। तो सर आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, वो हमेशा अपनी फ्री की राजनीति करती है सर, की फ्री वाली राजनीति, फ्री पानी, इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब कोविड आया तो भी उसकी पोल खुली कि वो किस तरह से वो मैनेज नहीं कर पाई और सरकार से मदद उसको लेनी पड़ी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से। और अभी जब बारिश का सीजन दिल्ली में शुरू हुआ है तो भी पोल खुल रही है, तो सर इनका क्या कुछ असर पड़ेगा इन सब चीजों पे, चुनाव पे, या फिर वहां की राजनीति वहीं पे पहली रहे? बात है, दिल्ली के संदर्भ में बात कर लें, आपने बारिश का जो बोला, सैनिटेशन सैनिटेशन एंड ड्रेनेज मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन वर्क, ये जी राज्य सरकार का क्षमता में नहीं है दिल्ली में, ये कॉर्पोरेशन के हाथ में, और तीनों कॉर्पोरेशन दिल्ली के जो तीन कॉर्पोरेशन है तीनों में बीजेपी अभी आसीन है, आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन में है।
सो लोग समझते नहीं इस बात को, क्योंकि वो कंपेयर करते बंगाल उड़ीसा पंजाब के साथ दिल्ली। दिल्ली एक आधी सरकार है, दिल्ली सरकार के हाथ में अधिकतर चीजें नहीं है, और अभी जो भी चीजें थी उसको भी जेएनसीटीडी एक्ट को चेंज कर कंप्लीटली उनके हाथ में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में दे दिया है पार्लियामेंट ने, गवर्नर बीजेपी सरकार के नेतृत्व में। तो इसलिए ड्रेनेज, वैसे ड्रेनेज के सिस्टम खराब पहले से थी, बहुत दिनों से थी, और लेकिन अगर अगर किसी को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी हो तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका कॉरपोरेशन का होता है, किसी भी राज्य में कॉरपोरेशन, और वहां कॉरपोरेशन राज्य सरकार के हाथ में नहीं है जैसा कि बंगाल पंजाब उत्तर प्रदेश अन्य शहरों अन्य राज्यों में है। दूसरा पॉइंट है उनका कोविड वाला। कोविड कोविड में मैनेजमेंट जो जी हुआ, हाँ कोविड मैनेजमेंट, दिल्ली का एक प्रॉब्लम है कि वो दिल्ली और बॉम्बे दोनों का ही इंटरनेशनल पैसेंजर सबसे ज्यादा दिल्ली आते हैं और उसके बाद बॉम्बे में आते हैं। कोविड की शुरुआत इंटरनेशनल पैसेंजर के माध्यम से हुआ है जी और उसका स्प्रेड के माध्यम से हुआ है। बहुत हद तक इन्होंने कोशिश की राशन चलाने के लिए, माइग्रेंट लेबरों को खाना खिलाने के लिए, कई तरह की कोशिशें इन्होंने की, और बहुत हद तक मैंने बहुत ही बुरी हालत थी बॉम्बे में भी और दिल्ली में भी। दिल्ली में उस भी जी हिसाब से काफी हद तक दो दो बार कंट्रोल हुआ है, लेकिन ये कहने के बावजूद भी ये कहना पड़ेगा कि भयावहता स्प्रेड इतना ज्यादा था कि बहुत सारे फेलियर भी हुए। अच्छा, और फ्री की जो बात थी, मैं आपको याद दिला दूं, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, उसके ऊपर नहीं फ्री, डबल नहीं प्राइस है उसके ऊपर। जी जी 20,000 लीटर तक पानी फ्री, 20,000 लीटर के ऊपर अगर 21,000 लीटर हो जाए तो पूरा पैसा 21,000 का देना होगा, केवल 1 लीटर जी नहीं, जी मतलब केवल 1,000 नहीं, पूरा 20,000 का। तो जी इसके माध्यम से कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन ऑफ पावर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर की भी एक आदत, पहले लोग चोरी करते थे, अब चोरी करने की जरूरत नहीं है ना, फ्री जब मिल रहा है आपको 200 यूनिट तक, तो लोग अब मीटर लगा के 200 को अंदर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, और पानी वाला भी यही बात है। और हम इस वक्त देश में 14 लाख करोड़ रुपया आपका बड़े पूंजीपतियों को बैंक से दिया गया है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है। 14 लाख करोड़ रुपया वापस कभी नहीं आएगा, जिसमें नीरव मोदी, माल्या और ये लोग भी हैं, और जो अभी भी इंडिया में है, ऐसे बहुत बिजनेस हाउसेस हैं, अदानी इंक्लूडेड। उन लोग के बहुत सारे पैसे बैंक से वापस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 14 लाख इस वक्त, 3 लाख के करीब था यूपीए के जमाने में, अब 11 लाख बढ़कर करीबन 14 लाख हो चुका है। उस हिसाब से दिल्ली के या और भी राज्यों के गरीब लोगों को जो मदद दी गई है वो 1-2 लाख करोड़ रुपया भी नहीं है। हम लोग गरीब को जब कोई चीज दी जाती है तो हम उसको देखते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैसा, मैं आपको एक सीधा हिसाब दूं, रिया चक्रवर्ती और बाकी भारती और बाकी सबको तंग किया गया था 10, 15, 20 ग्राम मरिजुआना पाने के कारण। आपको शायद खबर हो या नहीं, जी मुझे मालूम जी नहीं, जी पिछले जी साल सुशांत केस के बाद तो ये बातें जब आई थी सामने जी 3,000 केजी हीरोइन अदानी पोर्ट में, मुंद्रा में पिछले कल पाया गया, जिसका दाम 21,000 करोड़ रुपया है। आप बोलेंगे, कोई लोग बोलेंगे कि वो अदानी का पोर्ट है, कौन ला रहा है उन्हें क्या मालूम, फॉरेंसिक स्कैनिंग होता है सामान का, आप कोई भी सामान नहीं उतार सकते हो पोर्ट में। 21,000 करोड़ का हीरोइन उतारा गया है, जिसको कल जब्त किया है कुछ कस्टम्स ऑफिसर्स ने, जी अब विशेष करके कोई सिंसियर ऑफिसर थे तो ये हो गया है। तो इसका खबर कहाँ है, इस पे मीडिया कहाँ है, इस पे कोई नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का कोई अभी तक कोई स्टेप नहीं आया, कस्टम्स ने काम किया, लेकिन एनसीबी, ईडी या सीबीआई का कोई केस नहीं आया। और 15-16 ग्राम मरिजुआना के लिए रिया चक्रवर्ती को कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा। सो द पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं मरिजुआना के पक्ष में नहीं हूँ, मुझे मालूम है कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग गांजा चरस ये सब सेवन करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे पर्व में, उत्सवों में भी होता है, बनारस में हो या हरिद्वार में, कई लोग करते हैं, भगवान के नाम पे भी करते हैं। तो इशू ये है कि हमारे देश में बड़ी क्राइम हो रही है वो कोई नहीं देखता, साधारण आदमी के छोटे क्राइम हम देखते हैं। हमने ये देखा है कि इतने लाख लाख माइग्रेंट, पर्यायी श्रमिक जो पैदल वापस आए और रास्ते में गुजरते गए, मरते गए, उस पर तो कुछ देखा नहीं हमने।
21 दिन बाद हमने ट्रेन चलाया उनके लिए, श्रम श्रम ट्रेन, और उस ट्रेन में भी हमने उनसे टिकट के पैसे लिए, हमारी सरकार ने टिकट के पैसे लिए. द पॉइंट इज एनी बेनिफिट गिवन टू द कंप्लीटली पुअर पीपल, ऑर्डिनरी पीपल इज टेकन नोट ऑफ, बट क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज विच आर डोल्ड आउट टू द बिजनेस हाउसेस आर नॉट टेकन नोट ऑफ, क्योंकि उसी का एक अंश दलों के पास जाता है. ये हर दल में, मैंने हर बड़े दल में हुआ है, जब भी जो क्षमता में आया है सेंटर पे, ये नहीं कि सिर्फ भाजपा क्रोनी कैपिटलिस्ट का मदद मिला है, कांग्रेस को भी मिला है किसी जमाने, बिरला तो कांग्रेस के ऑफिशियल माने फंडर ही थे एक समय. तो एनीवे हम भटक गए मुद्दे से, मुद्दा यही था कि हमें ये समझना होगा इस देश में 30% से ज्यादा लोग जिस हालत में है उन्हें बहुत सारी चीजें सब्सिडी और फ्री देनी पड़ेगी, जैसा इस वक्त इस देश में 51-52% स्टूडेंट्स के कोई डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है, वो ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें फ्री कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी एजुकेशन को चलाने के लिए. उसी तरह 25% लोगों को देनी पड़ेगी, आप उनको काम का मौका दीजिए वो काम करेंगे, श्रम देंगे, शरीर ही उनका एकमात्र कैपिटल है, पूंजी है, श्रम देंगे वो, लेबर देंगे. सो हमें देनी पड़ेगी समाज को एक जगह में लाने के लिए. आपको ये भी समझना है कि इसमें 2-3 घराने हैं, पिछले 1.5 साल में जब हमारा आपका सबका इनकम गिरा है, देश के अधिकतर लोगों का इनकम गिरा है, वहां अदानी ग्रुप का इनकम डबल हुआ है, रेवेन्यू उनका डबल हुआ है पिछले 1 साल में, और 82% से ज्यादा हुआ है अंबानी ग्रुप का रेवेन्यू. सो समझना जरूरी है कि इस इवन ये पैंडेमिक टाइम में भी धनी और धनी हुए हैं, गरीब और गरीब हुए. अब तो जो देश के टैक्स के पैसे से जो संपद बनाए गए थे, जैसा कि रेलवे, जैसा कि लाइफ इंश्योरेंस, जैसा कि केमिकल फैक्ट्रीज और बहुत सारे, इसका प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुका है. आप कैसे टैक्स के पैसे से बनाए हुए संपद को प्राइवेट या निजी हाथों में दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते इस तरह, क्योंकि टैक्स से बनाया हुआ संपद. एनीवे सो ये है, अब समाज समझेगा, समाज में बहुत लोग इससे तो मतलब इसका कुछ इन शॉर्ट सर इन जो वादे करती है आम आदमी पार्टी फ्री वाले, मतलब उसका असर तो दिखेगा चुनाव में. आम आदमी का जो बेनिफिट वाला जो वादे, अभी आज मैं भी गोवा में हूँ, अभी मैंने सुना है कि केजरीवाल जी भी यहाँ गोवा में आके 7 सूत्री कार्यक्रम का अनाउंस किया है. अब उसमें बोल रहा है हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, और जब तक नौकरी नहीं तब 4,000 रुपया पर मंथ माने भाता भाता या सब्सिडी जो भी बोले उसको, अनएम्प्लॉयड ग्रांट बोले जो भी बोले, तो वो दे रहे हैं. और इसके अलावा भी और बिजली कुछ 200 या 250 यूनिट तक फ्री, ये भी उन्होंने बताया. तो ये जो बताएंगे ये लोगों के साथ होगा ही, कनेक्ट करेगा ही, यू कांट हेल्प इट विल बी कनेक्टेड. तो दैट इज द होल प्रोसेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. मतलब मुकाबला दिलचस्प होगा सर पंजाब में. लेकिन चुनाव जीतना एक अलग बात है. अब बोलेंगे आप दिल्ली में कैसे जीत गए, हाँ दिल्ली में जीते हैं, लेकिन चुनाव जीतना इतना सरल नहीं है. चुनाव जीतने में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, कास्ट, और विशेष करके दिल्ली के बाहर, दिल्ली में लोग एजुकेटेड होने के कारण कास्ट कम्युनिटी का इम्पैक्ट कम है, लेकिन बाकी सारे राज्यों में कास्ट कम्युनिटी का इम्पैक्ट जबरदस्त है. केवल बिजली पानी नौकरी के दम पे कुछ चुनाव अगर जीते कोई, तो मैं तो दाद दूंगा. क्यों कास्ट के नाम पे होना चाहिए? बिजली पानी, घर, नौकरी, इसके नाम पे, महिला सुरक्षा, इसी के नाम पे तो इलेक्शन होनी चाहिए. क्यों अब्बाजान की बात आती है? क्यों मंदिर की बात आती है? मंदिर तो आस्था का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है. चुनाव का विषय नहीं जी, है जी. होता गया है, देश में होता आ रहा है. कब तक होगा? क्या लोग कंटिन्यूअसली इसी पे डोलते रहेंगे? वक्त बताएगा जी. तो सर थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए. आपको भी धन्यवाद, आपने त्रिपुरा में रहते हुए हिंदी में इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया है. धन्यवाद. थैंक यू सर.